हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना फुटवेयर हॉल, अपनी सैंडल्स, अपनी जूतीज, फ्लैट्स वगैरह, आप सब कुछ आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ से शुरू कर रही हूँ। ये वाली जूती मुझको मेरी फ्रेंड ने गिफ्ट किया है, ये आप देख सकते हो, कुछ ब्लैक और गोल्डन स्टोन। ये ब्लैक जूती है और इस पर गोल्डन कलर का वर्क किया हुआ है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और ये वाली जूती मैंने लोकल मार्केट से लिया हुआ है और ब्लैक कलर के फुटवेयर्स मैं बहुत ज़्यादा पहनती हूँ और बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इसको ख़रीदा था। ये वाला शूज़ मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, ये बाटा का है और बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होता है। इसको आप कुछ पहनकर आप इससे वर्कआउट कर सकते हो या फिर कुछ भी, मतलब ये बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है मेरे लिए। मेरा फेवरेट शूज़ है और शूज़ है आई थिंक एक ब्लैक होगा, बट इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है ये वाला शूज़। मैंने ख़रीदा था तब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ था और ये मैंने लिया हुआ है डेली यूज़ के लिए। मैंने ये वाले फुटवेयर्स लिए हुए हैं। और नेक्स्ट ये वाली दो जूतियां हैं जो कि फ़्लैट हैं, आप देख सकते हो। ये वाली ये फ़्लैट जूती है, इनको मैंने पहना ही नहीं है, ये आप देख सकते हो। इनको अभी मैंने बिल्कुल भी नहीं यूज़ किया है और ये भी मैंने मार्केट से ख़रीदा था। जैसा कि मैंने आपको कहा है, मुझको जूतियाँ बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। मेरे घर में सभी लोग जानते हैं कि जूती मैं बहुत शौक़ से पहनती हूँ और हमेशा मैं जब भी कुछ लेने जाऊँ तब मैं जूती ज़रूर ख़रीदती हूँ। ये वाली सैंडल जो है, ये वाली हील्स जो है, मुझको मेरी फ्रेंड ने दुबई से गिफ्ट किया था। वो दुबई में रहती है, सो उसने मुझको ये गिफ्ट किया था और हाल ही में गिफ्ट किया है। वो मेरे लिए बहुत सारा कुछ दुबई से सामान लेकर आई हुई थी और बहुत सारा कुछ इतना सामान है कि मैंने यूज़ भी नहीं किया है। एक ये वाली सैंडल है, इसकी हील आप देख सकते हो, पेंसिल हील वाली सैंडल है और ब्लैक कलर में है। बहुत 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 मतलब बहुत ज़्यादा बहुत प्यारी है, बहुत अच्छी लग रही है और पहनने के बाद ये और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। सो गाइस, ये एक है मेरे मिस्टर मेरे लिए लेकर आए थे और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है और मैंने इसको ज़्यादा यूज़ भी नहीं किया हुआ है, एक या दो बार ही मैंने यूज़ किया है। और आप देख सकते हो इसकी हील बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लगती है मुझको और ये बहुत ज़्यादा प्यारी सैंडल हैं, मेरी फेवरेट हैं। सो नेक्स्ट हैं इन हील्स को मैंने क्लब फैक्ट्री से ऑर्डर किया था। ये हील्स मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आई हुई थी इसीलिए मैंने इसको परचेस किया और इसका कलर आप देख सकते हो लाइट पीच कलर है इसका। इसके कलर पे मैं सबसे ज़्यादा फ्लैट हो गई थी। इसके बाद और भी मज़े की बात हो गई थी कि ये जूती है तो इस तरह की जूती मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ, इसीलिए मैंने इसको परचेस कर लिया। अब नेक्स्ट है गाइज, मैं आपको हर हील्स में आपके साथ मैं ज़्यादा बातें नहीं कर सकती, मैं आपको जल्दी जल्दी करके अपनी हील्स ऐसे ही दिखा देती हूँ। और चलिए अब मेरे शू हॉल के मज़े लीजिए या फिर मेरे शूज़ हील्स देख कर आप अपना टाइम पास कीजिए। अगर आपको मेरी आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो मेक श्योर इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूले। सो मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मेरी हील्स इंजॉय कीजिए। ये वाले हील्स मैंने एक शॉप से लिया हुआ था, फुटवेयर शॉप से लिया हुआ था। ये वाली हील्स को मैंने क्या किया, पसंद किया और इसका प्राइस पूछा तो भैया ने कहा कि 850 रुपीस की ये वाली हील्स है। ये सैंडल 850 रुपीस की है, तो मतलब जब मेरे पास इतनी हील्स होती नहीं थी, जूती नहीं होती थी, कुछ नहीं होता था, तब मुझको ये बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। ये वाला प्रिंट मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आता है, ये आपको दिख रहा होगा।
इस तरह के प्रिंट्स मैं इस तरह का प्रिंट जो होता है वो मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ। जब भी मैं अपने मार्केट जाती हूँ, कपड़ों पर देखती हूँ, तो फटाक से उसको ख़रीद लेती हूँ। आपने इस तरह की एक जूती भी देखी होगी वीडियो की शुरुआत में, मेरे पास इस तरह की एक जूती भी है। और ये वाली हील्स जब मैं ले रही थी तो मेरे पास बिल्कुल भी फुटवेयर्स नहीं थे, तो उन्होंने कहा कि 850 रुपीज़, और उनका यहाँ फिक्स रेट हुआ करता था। तो मैंने क्या किया कि मैं घर पर आ गई, फिर मैंने बहुत ज़्यादा इसको याद किया, फिर रहते रहते वो बात मेरे पेट में नहीं टिकी। मैंने अपने मिस्टर से कहा कि एक सैंडल मुझको बहुत ज़्यादा पसंद आई और उसका प्राइस है 850 रुपीज़, तो मैंने इसीलिए उसको नहीं ख़रीदा। तो मिस्टर ने कहा ठीक है, 2 दिन का टाइम दे दो, मैं आपको वो वाली हील्स दिला दूंगा। तो उन्होंने मुझको नहीं चाहिए, तो मिस्टर ने क्या क्या कहा उन्होंने 2 दिन, बट उन्होंने शाम को ही मुझको उस शॉप पर लेकर गए वो, और ये वाली सैंडल जहाँ थी वहीं रखी हुई थी। तो मैंने भैया से कहा कुछ डिस्काउंट हो सकता है तो कर दें, तो उन्होंने कहा कि 800 तक आपको ये वाली सैंडल मिल जाएगी। तो मतलब मेरे पास एक भी सैंडल नहीं थी, इसीलिए मैंने ये वाली सैंडल ख़रीद ली। तब मेरे देवर की शादी भी थी इसीलिए मैंने ये ख़रीदा था, वरना मैं इतनी महंगी सैंडल नहीं ख़रीद सकते थे, हम उस टाइम पर नहीं ख़रीद पाते। अब मेरे पास बहुत सारे हील्स हैं, बहुत सारी सैंडल्स हैं। कुछ टाइम पहले मैं बहुत तरसा करती थी हील्स को लेकर, बहुत सारे डिज़ाइनर ड्रेसेस को लेकर। तो मैंने क्या किया, आपको ये दिख रहे होंगे ये स्टोन्स नहीं थे, सिर्फ प्लेन ब्लैक इसका ये जो पट्टा है ना, सिर्फ वही था। तो मैंने क्या किया, इस पर ये वाले स्टोन्स लगाकर इसको और थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना दिया है। ये आप देख सकते हो, ये मैंने खुद ही स्टोन्स लगाए हुए हैं, ये आपको दिख रहा होगा। ये देखिए, ये वाले स्टोन्स को मैंने खुद ही लगाया हुआ है, और यहाँ से आप देख सकते हो एक या दो निकल भी गए हैं। और आप यकीन नहीं जानोगे ये वाली फुटवेयर मैंने कब ली थी, मैंने 6 साल पहले ये वाली हील्स ली हुई हैं। ये वाली सैंडल 6 साल पहले की हैं, 6 साल पहले इतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और आज तक ये मेरे पास हैं। मैं इसको हमेशा अपने पास रखूँगी, क्योंकि बहुत बहुत ज़्यादा मतलब कोशिश से हमने ये वाली सैंडल ली हुई थी। मिस्टर ने मेरे लिए ये सैंडल दिलाई हुई थी, पता नहीं उन्होंने किस तरह से पैसे इकट्ठे किए और मुझको ये वाली सैंडल दिला दी एक ही दिन में। मैं इस सैंडल की बहुत ज़्यादा कदर करती हूँ। चलो, बातें बहुत ज़्यादा हो जा रही है। नेक्स्ट वो शॉपिंग, मिस्टर हम लोगों को जब शॉपिंग कराने ले गए थे तब मैंने ये वाली जूती ली। इसके 3 या फिर 4 दिन के बाद लॉकडाउन शुरू हो गया, और ये आप देख सकते हो मैंने इसको पहना भी नहीं है। नेक्स्ट है ये वाली जूती वाइट कलर में, वाइट कलर की जूती मेरे पास नहीं थी, तो ये वाली जूती हमने किसी मॉल से लिया हुआ है, आई थिंक काका जी मॉल से मैंने ये वाली जूती ली हुई है। 650 रुपीज़ की ये जूती है, इसका प्राइस मुझको याद है क्योंकि हमने ये भी हाल ही में लिया हुआ है। ये आप देख सकते हो वाइट कलर में है, और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो कितनी अमेजिंग क्वालिटी है, इसकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। मैंने इसको ठीक से नहीं रखा, इसीलिए आप इसकी हालत यहाँ से देख सकते हो। दोबारा मैं ये गलती नहीं करूँगी। और नेक्स्ट है गाइस, अब ये लास्ट वाली 2 हील्स हैं जो कि मेरी सबसे ज़्यादा फेवरेट हील्स हैं। ये आप देख सकते हो, मिस्टर मेरे लिए लेकर आए थे जब वो आउट ऑफ गए थे, वहाँ से उन्होंने मेरे लिए परचेस किया था, और इसका प्राइस मैं आपको नहीं बता सकती, ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है। मुझको खुद इसकी प्राइस पता नहीं है। मैं बहुत बार अपने हस्बैंड से पूछ चुकी हूँ, मैंने उनसे ये तक कहा कि मुझको वीडियो में बताना है, तो उन्होंने कहा कि मुझको याद नहीं है, याद होता तो मैं आपको बता देता, बट मुझको याद नहीं है। जब उन्होंने मेरे लिए ये वाली हील्स लेकर आई थी तब भी मैंने उनसे पूछा था कि इतनी महंगी हील्स आपने मेरे लिए क्यों लाया, कितने की है बता दो। तो उन्होंने कहा अगर मैं आपको इसका प्राइस बता दूं तब आप इसको पहनोगे ही नहीं, इसको ऐसे ही सजा कर रख दोगे, तो आप प्राइस मत ही जानो, तुम प्राइस मत पूछो, बस इसको अच्छे से पहन लो। तो मैंने कहा कि ठीक है चलो, नहीं पूछते हैं वो, बताना नहीं चाह रहे थे तो मैंने भी नहीं पूछा। ये वाली हील्स सबसे ज़्यादा फेवरेट हील्स है गाइस। तो ये वाली एक हील है, वो आउट ऑफ गए थे तब मेरे लिए उन्होंने ये लेकर आया था। वो जब भी आउट ऑफ जाते हैं तो मेरे लिए कुछ ना कुछ लेकर ही आते हैं। ये वाली हील्स उन्होंने मेरे लिए ली हुई थी जो कि आप देख सकते हो, ये मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मुझको भी आइडिया नहीं है ये कितनी की है, बट आप अगर आपको आइडिया होगा तो आप
जान सकते हो। और इसकी क्वालिटी आप देख सकते हो इतनी और इतनी हैवी है ना, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी हील्स हैं। और ये आप देख सकते हो इसकी हील पर भी आपको स्टोन्स नज़र आ रहे होंगे और बहुत मस्त लगती हैं गाइस ये वाली हील्स। ये दो हील्स मेरे फेवरेट हील्स हैं। और आपको कौन सी हील्स सबसे ज़्यादा पसंद आई है कमेंट करके ज़रूर बताना। आई थिंक आपको भी यही वाली हील्स पसंद आई होगी।